अरे यार इतनी ठंड पड़ रही है, हमारे हाथ जाम हो गए। इन लड़कियों को ठंड नहीं लगती क्या? अरे लड़कियों को ठंड नहीं लगती। क्यों भाई? ये आपस में ही देख के एक दूसरे को जलती रहती है। अब भगवान के आगे किसकी चली है? वैसे इनकी मौत हुई कैसे? जहर पीने से। लेकिन इनके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे हैं? जहर पी ही नहीं रहे थे। अच्छा, ओ भाई भाई कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है भाई? अपने पीछे वो ट्रक पलटी खा गया। हाँ तो ट्रक पलटी खा गया, उसमें ये कहाँ लेके जा रहा है? अरे पूरा ट्रक कांधे से भरा था, कांधे से भरा था, कांधे से भरा था, कांधे से भरा था। जानू एक बात पूछूं? पूछो। तुम कभी हंसते नहीं हो? क्यों क्यों हुआ? कभी हंसती हुई की फोटो नहीं देखी तुम्हारी? ओह नो। तुम कभी नहाते नहीं हो? बेबी मैं कैसे लग रही हूँ? लग रहा था यार, जल्दी बैठ तू। एक मिनट आगे चेकिंग भी हो रही, कागज कुगज भी है नहीं इसके? कागज लाया मैं यार, तेरा भाई कागज पहले लेके चले। क्योंकि बाइक का तम लाओ, चलान भुगते हम। अरे कागज पूरे यार, इतने की तेरी एक्टिवा नहीं है जितने की आजकल चलान कट रहे। कागज पूरे। हेलमेट कहाँ? इन्हीं में होगा कहीं को, ढूंढ ले। लड़कियां तीन चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा बताइए? नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तीसरा जो उनको चाहता हो उसको भैया बोलने में। बेबी हाँ, मुझे लगता है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तू मेरे दोस्त की होने लगी है। ओह नो। जो बेबी बाबा करके तो मेरी जिंदगी डन कर दी, हमेशा मेरा ही काटती रही, आज भी काटती। चल चल निकल चल। और तू क्या तारे गिन रहा है? मैया कसम बहुत प्यार करता था मैं उससे, साले दोस्त के नाम पे कलंक है तू। भाई मैं बताने वाला था। क्या बताता? ब्याह के बाद साले कैसे मुश्किल से पटाया था मैं उसको, और तू मेरा काट के चला गया दोस्त के नाम पे, साले कलंक। दोस्तों आप जानते हैं कि आई एम सॉरी का असल मतलब क्या होता है? अभी तक बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ कर दो, पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मतलब कभी भी मुझे माफ कर दो नहीं होता है। क्या होता है? आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे इस बात पर अफसोस है। जैसे कि कई बार फिल्म में देखा है, डॉक्टर आकर बोलता है आई एम सॉरी हम आपके पिताजी को बचा नहीं सके, उसका मतलब होता है मुझे इस बात पर अफसोस है। अरे भाई ये तो भांधी का है ना? अबे साले भांधी नहीं चांदी बोलते हैं। अरे मैं तो भूल गया, तू चाको भा बोलता है, क्या होगा तेरा? भाई घूमने जाना है, गाड़ी देना तेरी यार। भाई मेरी गाड़ी ना सुनील के पास है, जाके सोचा भी ले गए। ठीक है। सुनील भैया। हाँ क्या हुआ? भैया घूमने जाना है, भाभी दो ना। यार मैंने सुना आपके यहाँ पे गाने डाले जाते हैं। हाँ भैया डाले जाते हैं ना, तो डाल दो यार। हाँ डाल देंगे। तो डाल दो नहीं यार, डालू गाय में। अरे हाँ यार मैं लाया हूँ, ये इसमें हनी सिंह के, बादशाह के, और जितने भी अच्छा अच्छा सिंगर है सबके भर दो, फुल भर देना इसे। क्या हुआ यार? एक बात बताओ, करवा चौथ के अलावा ऐसा कौन सा और व्रत होता होगा जिससे पति की उम्र लंबी होती होगी? मौन व्रत रखा कर तू भी। hmm?
सुनो हाँ? मैं अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ स्विगी से, अगर तुम्हें कुछ खाना तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूँ। हाँ, मेरे लिए माँ का चूरन ऑर्डर कर दो। माँ का चूरन? हाँ। अरे गवार औरत, उसको माँ का चूरन नहीं मंचूरियन बोलते हैं। हाँ वही बोलना आता नहीं, खाएंगी मंचूरियन। माँ का चूरन।